वेलोसिटी, राइट, घट रही है तो भी, बढ़ रही है तो भी. यदि मैं आपको बोलूं कि एक्सीलरेशन इज -3, व्हाट डज इट मीन? वेलोसिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी? हाँ, कुछ भी हो रहा हो सकता है, हम ही नहीं कहेंगे घट रही होगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव हुई तो बढ़ रही होगी. तो हम थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया यहां पे हल्का हल्का लगा रहे, फिर इसको कैलकुलस में ले जाएंगे अपन, कैलकुलस का आइडिया लगाएंगे अच्छा खासा, ठीक है, और फिर अपन वापस 2D में जाएंगे, वहां पे वेक्टर का आइडिया लगाएंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, और फिर पढ़ेंगे 2D या 3D काइनेमेटिक्स, ठीक है. ये अपनी सिक्वेंस रहेगी, क्लियर है सबको? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. यदि अपन ने मान लिया -2 तो -2 मतलब जिस डायरेक्शन में मानना है पॉजिटिव उसके अपोजिट, पॉजिटिव डायरेक्शन मानना अपनी चॉइस होता है, ठीक है. तो इन केसेस में इट सो हैपेंस कि हमारे पास अच्छी खासी इक्वेशंस बन जाती है जिनको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, शायद आपने सुनी हो. V = u + at, जो कि आप देखिए तो यहां से डिराइव हो सकती है. कैसे डिराइव होगी यहां से? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. राइट, a = dv/dt हमारे पास में, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि एनी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी वुड बी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, राइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू एड इट अप फ्रॉम t = 0, t = 0 का क्या मीनिंग होता है थोड़ी देर में इस पर ही बात करेंगे, लेकिन इट बेसिकली मीन्स जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करी है, ना कि -13.8 बिलियन ईयर्स की जब बैग बैंग होके यूनिवर्स बना था, राइट. यूनिवर्स की शुरुआत नहीं होती है, आपकी बर्थ डेट नहीं होती कि सब दुनिया तो तब बनी जब मैं पैदा हुई या पैदा हुआ, ऐसे नहीं होता. जब हमने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करी थी, क्या उसके पहले भी चीजें एग्जिस्ट कर सकती थी? हाँ, हो सकता है उसके पहले भी चीजें एग्जिस्ट करती हो, राइट. तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पहले हो सकता है प्रॉब्लम वैसी कैसी, लेकिन अपन ने जब देखना शुरू किया दैट इज t = 0, उस समय की वेलोसिटी को हमने कह दिया यू, और टाइम टी पर हमने निकाल ली वेलोसिटी, ठीक है. बात इंटीग्रेट करेंगे यहां, तो अब तक शायद आपको समझ में आ गया, और डीवी लिखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो इसको चाहे तो v^0 लिख के इसका इंटीग्रल हो जाएगा v, evaluated from u to v, v इज द वेरिएबल वेलोसिटी. यहां पर इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, a इज अ कॉन्स्टेंट. सिंस इट इज अ कॉन्स्टेंट वी कैन टेक इट आउट ऑफ समेशन. समेशन में कोई कॉन्स्टेंट होती है टर्म तो बाहर निकाल लेते क्या? 3x² + 3x + 3 लिखा, 3 बाहर निकाल सकते थे ना अपन, वही. तो एक अपन ने समेशन से बाहर निकाल लिया, पर ये क्या बचा? t^0 dt रिलेटेड फ्रॉम 0 to t. कोई डाउट? सो दिस बिकम्स a t^1 इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 से t. सो दिस इज v - u = at, हेंस v = u + at. यदि a खुद टाइम पे डिपेंडेंट होता तो हम इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते होते, फिर रिलेशनशिप कुछ और आती. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको देता a = kt² तो ये रिलेशनशिप आती क्या? नहीं आती. फिर आती v - u = kt³/3. दिस इज नॉट v = u + at. एक आप लिख भी लो kt² तो भी ये बन जाएगा v - u, क्या बन जाएगा? kt² हटा दीजिए तो at/3. इट्स नॉट, स्टिल नॉट v = u + at, तो नहीं बना ना. बन गया कुछ और? बन गया, राइट. इसलिए तभी आएगा जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट, राइट. नहीं तो ये इक्वेशन डिराइव
नहीं हो पाएगी. एवरीबडी गॉट दैट? पक्का? U is velocity at t is equal to 0, V is velocity at any time t. चलिए आगे बढ़ते. डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग कैलकुलस. लेट्स सी आप करिए कैसे कर पाते हैं. आप देखते हैं हम यूजिंग कैलकुलस डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिलेशनशिप निकालिए.